बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा कराम, आज के सबक में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम अपने तजवीदी कायदे का सबक नंबर 4 हुरूफ़ शफ़विया पढ़ेंगे। आइए सबक के हासिलात तालुम पर एक नज़र डालते हैं कि अजीज़ तलबा और तालिबात, आप इस सबक की तकमील के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हुरूफ़ शफ़विया को पहचान कर सकें और हुरूफ़ शफ़विया की दुरुस्त अदाई कर सकें। हुरूफ़ शफ़विया जो हैं वो आप देख सकते हैं कि 4 हैं, बा, मीम, वाव और फा। इन हुरूफ को हुरूफ़ शफ़विया इसलिए कहते हैं कि ये होंठों से अदा हो सकते हैं। बा, मीम और फा होंठों को मिलाने के साथ और वाव जो है होंठों को गोल करने के साथ अदा होता है। आखिर में असातिज़ा इकराम की खिदमत में गुजारिश ये है कि तलबा को हुरूफ़ शफ़विया की दुरुस्त अदाई के लिए उनसे बार बार मशक करवाएँ और उनसे सुनें। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले सबक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।